नमस्कार, मैं रिंकू, विलेज फूड भंडार में आपका स्वागत है। आज मैं प्याज पराठा बनाने जा रही हूँ। एकदम देसी और गांव में जैसे प्याज पराठा बनता है वैसे हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, आधा केजी लगभग गेहूं का आटा ले लिए हैं और इसके लिए मध्यम साइज का प्याज ले लिए हैं 5 गो, धनिया का पत्ती ले लिए हैं, अजवाइन ले लिए हैं, मंगरेलो ले लिए हैं। इसके लिए हम सारा सामग्री तैयार रखे हैं, घी रखे हैं। प्याज, धनिया, कच्ची मिर्ची कट कर लिए हैं, महीन से कट कर लिए हैं, यानी बेलने के समय परेशानी नहीं हो। चलिए दोस्तों, आटा को हम तैयार करते हैं, जमाइन देते हैं। मंगरेला देते हैं, मंगरेला ज़्यादा देने से कड़वा हो जाएगा। प्याज डालते हैं, नमक मात्रा के अनुसार, घी डालते हैं, इससे सॉफ्ट होगा। अगर आपके पास तेल है तो तेल भी डाल सकते हैं। मेरा आटा तैयार हो गया है। अब इसको 5 मिनट ढक के रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे ढक के, ताकि गिल्ला हो जाएगा। 5 मिनट रख देते हैं, मुलायम हो जाएगी आटा। पाँच मिनट अब हो गया है। अब हम पराठे को बेलते हैं, देखते हैं हम कैसे बेलते हैं। इसके लिए हम गाय का घी लिए हैं, देसी घी। अगर आपके पास तेल है तो तेल भी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्याज पराठा बन के तैयार हो गया है। अब हम चखने के लिए देते हैं कैसा बना है, देखते हैं चख के कैसा लगता है। कैसा लग रहा है खाने बहुत में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीज़ दिए हैं इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। प्याज दिए हैं, प्याज, धनिया, कच्ची मिर्च, जमाइन, मंगरेला और देसी घी। तब ना इतना स्वादिष्ट है।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे खान पान से जुड़े वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।